पब्लिक पूछ रही है। नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सत्ता सियासत और सवाल। खास प्रोग्राम सत्ता सियासत और सवाल में आज हम बात सत्ता में बैठे हुए लोगों से भी करेंगे, जो लोग सियासत की बात करते हैं उन लोगों से भी की जाएगी, जनता के कुछ सवाल भी होंगे उनकी भी बात की जाएगी। हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं, एक ऐसी भारतीय जो राजनीति है उसमें एक ऐसी पुरोधा है, ऐसी लेडीज है जिन्होंने ज़मीन से खड़े होकर एक राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाई है, लोगों के लिए कार्य किए हैं, लोगों में एक छाप छोड़ी है। अल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपकी जो राजनीति है, शुरुआत एक छोटी सी जगह से होके आज आप शिखर पर हैं जहाँ से लोग शुरुआत से लेकर शिखर हैं जी, तो कैसा रहा और कहाँ से शुरुआत? वैसे तो मैं पहले से ही पवार साहब के साथ मैं काम कर रही हूँ, उनके साथ ही मैं चलती हूँ और वो मेरे मुझे नेता मुझे बहुत पसंद है, एज अ नेता करके भी और एक जो बहुत ही परिपक्व ऐसा आदमी वो है और किसी भी क्षेत्र का उनको आप पूछेंगे ना तो उनको नॉलेज है, वो अच्छी तरह आपको गाइडलाइन कर सकते हैं, तो ऐसा हमारा नेता है। और हमारे पार्टी में मैं एनसीपी में और उनके साथ इसलिए हूँ क्योंकि उनको है ना, उनकी मम्मी भी पॉलिटिक्स में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में थी और इसीलिए होगा उनको वहाँ से इनको ज्ञान मिला होगा और मम्मी के प्रति उनको इतना प्यार था इसीलिए भी जो लेडीज़ के जो महिलाओं के लिए उनको उनका ध्यान बहुत सारा रहता है वैसे, और उनको लगता है कि जो दलित पीड़ित ऐसी जो महिलाएं हैं तो उनको हम लोगों ने अपना उनका विकास करना चाहिए और इसीलिए मैंने शुरुआत से देखा हुआ है उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है। 92 में मैं जब कॉरपोरेटर बन गई तो 33% कॉरपोरेशन उन्होंने पहली बार महाराष्ट्र में पास हुआ और हमारे साथ दूसरे पार्टी की भी महिलाएं थी और सभी पार्टी की महिला मुझे बोलती थी आपके पवार साहब बहुत अच्छे हैं, पवार साहब थे करके आज हम लोग यहाँ पे कॉरपोरेशन में आए, तो किसी भी पार्टी की जो महिला है वो उनको बहुत मानती है, उनको अपना बड़ा भाई जैसे या पिताजी जैसे सम्मानित करती है, तो ये सब देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। बाद में उन्होंने 50% भी आरक्षण लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिया, तो ये भी उनका एक अलग सा पहलू उसमें दिखाई देता है। फिर उन्होंने महिला धोरण, महाराष्ट्र में महिला धोरण लाया, मुझे लगता है ऐसा महिला धोरण और कहीं पे भी नहीं होगा, और महिला धोरण बनाते समय मुझे याद है उनके खिलाफ अगले दिन ही वैसे मृणाल ताई गोरे उन्होंने कुछ अलग सी वैसे उनके खिलाफ कुछ बोली थी, तब मैंने सोचा कि अभी साहब उसको तो बुलाएंगे नहीं वैसे, क्योंकि दूसरे पार्टी की है और वो भी उनके लिए वो कुछ वैसे पेपर न्यूज़पेपर में ऐसे बोलती थी वैसे, लेकिन पवार साहब ऐसे कभी भी नहीं करते अपने उनके ऊपर कोई भी टिका करे कुछ भी करे, लेकिन अगर कुछ धोरण लेना है करना है तो उन्होंने उस समय महिला धोरण करते समय सभी पार्टी की महिला, बहुत सारे एनजीओस की, बड़े बड़े एनजीओस की महिला सभी को इकट्ठा करके उनके यहाँ से उनको क्या चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए वो पूछकर उन्होंने वो महिला धोरण दिया हम लोगों को, महाराष्ट्र में महिला धोरण दिया, तो अभी भी उनको विधानसभा और पार्लियामेंट में उनका कहना है कि वहाँ पे भी महिला होनी चाहिए, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, अगर महिला महिलाओं के निर्णय लेगी, महिला महिलाओं के समस्या वहाँ पे एक करेगी तो अच्छी तरह उस निर्णय की अमल बजावनी हो सकती है। अपना जी, आप
जब से राजनीति में हैं, जितना मेरा गणित समझता है, जहाँ तक आपको जाना है, आपने शुरुआत कॉरपोरेटर से की जी, और एनसीपी में आप छोटे से लेके बड़े पदों पे रहे हैं। पिछली बार आप विधानसभा, जहाँ हम बैठे हुए हैं, उस विधानसभा से प्रत्याशी भी थे। तो सत्ता और सियासत और जो संगठन की जो दूरी है, आपको कहाँ लगता है कि आप कहाँ पिछड़ गए कि जनता ने आपको नकार दिया? अच्छा, ऐसे हो गया कि हम लोगों ने काम तो बहुत किया है। मुझे याद है कि कितने हम लोगों ने ब्रिज बनाए हैं, बहुत सारे विकास के काम किए, रोड बनाए, क्या 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 औद्योगिक क्षेत्र में। वैसे आज लोगों को, लोग बेकार हो गए हैं, उस समय फैक्ट्रीज और वो सब बहुत सारे हमारे पीरियड में काम हो गए हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी की पार्टी की जब ये थी, सत्ता थी, या तो उस समय बहुत सारे काम हो गए हैं। लेकिन हम लोगों ने जो हमने काम किया है ना, वो लोगों को बताया ही नहीं, और बताया नहीं, वैसे इसीलिए नहीं बताया गया कि आदत सी नहीं है कि हम लोग, हमने ये काम किया, काम किया, काम किया, ऐसे आदत नहीं। और अभी कैसे यहाँ पे काम किया हम लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने जाके फीत काटी है, तो लोगों को लगता है इन्होंने काम किया। लेकिन अभी मुझे ये भी लगता है कि अच्छा हुआ, अच्छे दिन हम लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने, मोदी जी ने घोषणा की अच्छे दिन। अगर अच्छे दिन मोदी के अच्छे दिन बोले तो बेकारी, मोदी के अच्छे दिन बोले तो महंगाई, मोदी के अच्छे दिन बोले तो लोगों के ऊपर अन्याय, मोदी के अच्छे दिन बोले तो दलित और अल्पसंख्यक के ऊपर अन्याय, अत्याचार, ये सब। तो अभी लोगों को पता चला, पेट्रोल के भाव ज़्यादा बढ़े तो अच्छे दिन, तो लोगों को पता चला। बीजेपी ने, बीजेपी तो अभी ख़त्म हो गई है, अभी खाली मोदी का ही नाम चल रहा है, तो लोगों को मोदी के अच्छे दिन पता चले। तो अभी लोग बोलते हैं, वो जो पवार साहब के टाइम जो अच्छे दिन, उन्होंने कभी बोला नहीं है अच्छे दिन है, लेकिन इससे भी बहुत हम लोगों को अच्छा लगता था उन दिनों में, और अभी वो दिन हम लोग वापस लाएंगे। तो हमारे, मैं सोचती थी हमारे दिन अच्छे 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 होंगे, इसलिए उन लोगों को दिन चाहिए और हम लोग वैसे। और मोदी मोदी सरकार हो या आपके प्रदेश की फडणवीस सरकार हो, हमेशा मंच से हो या किसी कार्यक्रम में हो या घोषणा से हो, कहते रहे कि हमारा विकास है, हमने विकास किया है 5 साल, वोट जनता विकास को देगी। किसी भी विधानसभा में जाके किसी भी व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति को जो पंक्ति में खड़ा है, उस व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है, तो जनता विकास को वोट देगी। तो आपको लगता है कि आपकी जो विधानसभा है, यहाँ विकास हुआ है, लोगों तक जितना विकास होना चाहिए था वो हुआ है, क्या बीजेपी को जो जनता है उसको चुनेगी, या झूठा दुष्प्रचार, जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ काम नहीं इनका प्रचार बोलता है? हाँ, क्या हुआ मालूम है कि अभी उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए सबको मिलेगा, हर फैमिली को 15 लाख रुपए मिलेगा। अब जिनको 15 लाख मिला है वो तो उनको वोट करेंगे ही ना, तो और जिनको 15 लाख नहीं मिला है वो लोग को वोट नहीं करेंगे। तो विकास बोले तो क्या, वो आपको पता चला? तो जिन, मैं विनंती करती हूँ लोगों को कि जिन लोगों को 15 लाख मिला है वो खुश रहे, आबाद रहे, और जिन लोगों को 15 लाख नहीं मिला है वो हमारे साथ चले। तो इस बार आपको पता है 15 लाख किसी को मिला ही नहीं है, तो वोट उसको बीजेपी का ना देके एनसीपी को वोट देंगे, एनसीपी को वोट जाएंगे कि विकास, एक्चुअल जो विकास था पैसे से। लेकिन मोदी जी बोलते हैं या फडणवीस सरकार बोलती है कि पैसा देना विकास नहीं होता है, लोगों के घर बनवाना विकास होता है, लोगों को शौचालय दिया वो विकास है, लोगों की जो पहले जहाँ मजदूरी होती है उसको ख़त्म किया है, बेरोजगारी ख़त्म की है, तो ये सारी चीज़ें लगती हैं विकास, निर्माण कार्य जो होते हैं वो निर्माण कार्य कराए हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें बराबर है ना। तो मैं जब कांग्रेस पार्टी में, एनसीपी में थी, तब हमारी एक मीटिंग चल रही थी, उस समय 8 रुपया किलो से टमाटर थे और वो 15-20 रुपये से हो गए थे। तो उस समय भी हमारे में ऐसी इतनी वैसे स्वतंत्रता और समानता है, तो मैंने पूछा था कि लोग अभी हम लोगों को पूछते हैं महंगाई कितनी बढ़ गई, महंगाई कितनी बढ़ गई, तो ऐसे हम अपने नेताओं को पूछ सकते थे। लेकिन अभी पूछना तो बात की बात है, अगर ऐसा कोई पूछेगा तो डायरेक्ट जेल में जाएगा। तो जो हमारा जो कहना है कि लोगों को सब कुछ मालूम हो गया, अभी
अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और हमारा जो विकास पुरुष बोलते हैं, तो अगर मोदी जैसा विकास पुरुष हो तो लोगों को नहीं चाहिए, और पवार साहब जैसा विकास पुरुष हो तो लोगों को चाहिए। तो इसलिए इसके लिए पवार साहब का हम लोग मतलब फ्यूचर आप ब्राइट है। यहाँ से प्रत्याशी होने के साथ साथ भी प्रदेश में जो एनसीपी की इकाई है, महाराष्ट्र की जो इकाई है, वहाँ पे मुंबई की इकाई में आप उपाध्यक्ष हैं। एक जी जिम्मेदारी है, आपको जी जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को निर्वाह कर रही हैं आप। जी क्या लगता है कि इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में, एनसीपी कितना, जो पिछली बार जो इसका जो वोट बैंक था, लोगों का भरोसा था, वो टूटा था, इस बार बनाने में कायम रहेगी? हाँ, इस बार बनाने में तो हम लोग कामयाब हो ही गए हैं, क्योंकि एक तो बीजेपी और सेना, उन दोनों में इतना झगड़ा होता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि रखवालदार चोर है, तो अगर रखवालदार चोर है और उनके साथे रहते हैं, तो वो लोग सेना को बोलते हैं ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा उनको बोलते हैं, ये उल्टा पुल्टा उनको बोलते हैं। और दूसरी बात, बीजेपी को तो बीजेपी ने खत्म कर दिया, अभी बीजेपी है ही नहीं, खाली मोदी है, मोदी 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 वो लोग कर रहे हैं, तो बीजेपी है ही नहीं वहाँ पे, तो हम लोगों का बीजेपी से कुछ ताल्लुक आते ही नहीं है। अभी रही बात सेना की, तो सेना कैसे हो, बीजेपी ने सबको बता दिया क्योंकि उनका राज चल रहा है, तो बीजेपी बोल रही है सेना कैसे है करके। तो हम दोनों को, इन दोनों के लिए कुछ हमारी फाइटिंग है ही नहीं वैसे, खाली फाइटिंग इसमें है कि हम लोगों ने अच्छी तरह लोगों के पास जाके, हम लोगों ने जो लोगों के लिए जो कुछ किया है, लोगों को जागरूक करना करने की ज़रूरत है। हमारा खाली अभी इतना ही काम है, लोगों को जाके जागृति करें, और हम उन्हें बताएं कि हम वापिस घर से बाहर निकलो, हम सब साथ चलेंगे और एनसीपी को लाएंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।